मध्य प्रदेश की खरगोन में बारिश न होने से सैकड़ों हेक्टेयर कपास फसल जलने लगी है। इसके कारण किसान एक एक पौधे को लोटे से पानी देकर मरने से बचा रहे हैं। वहीं कड़ी मेहनत के बावजूद भी किसान मुरझाई फसल पर कर्ज चुकाने को लेकर काफी चिंतित हैं। बता दें कि प्रदेश में सर्वाधिक कपास उत्पादन के लिए खरगोन को सफेद सोने की खान कहा जाता है। यहाँ से रुई की गठाने पाकिस्तान और चीन तक जाती हैं। ऐसे में कपास की हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद होने की चिंता किसानों के सिर पर इस दौरान मंडरा रही है। जो कि पिछले साल जिले में 387 एमएम आज दिन तक बारिश हुई थी और इस साल अभी तक 331 एमएम बारिश हुई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 56 एमएम कम है। और इस स्थिति में किसान भाई फसलों को बचाने के लिए ये गुड़ाई करके, निराई गुड़ाई करके, डोरा चला के, जमीन में नमी संचित करके कर सकते हैं। भैया 20 रोज से बारिश नहीं हुई और कुएं से पानी लाट के टुए दे रहे कपास को, कर्ज लेके आपका बीज बोया है, खाद दिया है, आपका फसल जल रही है। न तो सर्वे वाले आ रहे हैं, न कोई अधिकारी आ रहा है। अगर दो रोज चार रोज पानी नहीं गिरा तो फसल पूरी जल जाएगी।